राम राम भाई, सभी को आप सबका स्वागत है मैक्स देसी फिटनेस में। और भाई आज अपना खाना पीना यहीं पे बनवा दिया, थोड़ी मेहनत की उसके बाद यहीं पे खाना पीना बनवा दिया। और भाई मैं बहुत देर से इसी में बैठा हूँ, मुझे कुछ आवाज़ आ रही थी बाहर से। ये देखो रात में, तो भाई रात में ये जो बच्चे हैं ना, तो मैं अभी इनसे मिल के आया। ये सारे बच्चे ये जो हैं अभी थोड़ी देर पहले मिल के आया, तो ये बोल रहे थे भाई हमें ट्यूशन वगैरह से लेट हो जाते हैं, इसलिए हम मैक्स देसी फिटनेस पे लेट पहुँचे। तो अभी इनसे मिलाता हूँ, चलो अभी दिखाता हूँ आपको। आओ इनसे बातें करते हैं थोड़ी, और देखते हैं मेहनत कर रहे हैं कितनी बढ़िया और कैड़े पड़ के लग रहे हैं, क्योंकि इनको अभी कोई टाइमिंग नहीं मालूम कि किस टाइम जो है मेहनत का कोई टाइम है। तो मेहनत का कोई टाइमिंग मालूम नहीं है, इसलिए इस टाइम कर रहे हैं। ये बात ये मजा आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ बताओ। बिल्कुल भैया, थोड़ा आ रहा हूँ, झिक के पसीने ले रहे होते तो ठंड में भी। तो भाई ठीक ठंड पड़ रही है बिल्कुल। देखो मैं तो ऊपर ऊपर में भी हूँ, कतई नहा धो के फिट हूँ, पर इन्होंने जलबे हजार बिखेर रखे हैं बिल्कुल ये। तो भाई दिक्कत इनकी भी ना, ये जोर ट्यूशन पटका सांझ को, तो ट्यूशन पढ़ने की वजह से जो तो पढ़ने वाले बच्चे हैं क्या है ना जी, वरना टाइम मिले तो आवे भी टाइम से, इस टाइम टाइम मिला है तो इसलिए ये थोड़े लेट हो गए। लेकिन मजा बांध रखो है, जब इसको एक टाइमिंग धर दूंगा, टेंशन ना ले तुम, ठीक है। जब मैं इसकी टाइमिंग धरूंगा ना तो तुम्हें पता चल जाएगा एक्यूरेट इस टाइम यहाँ पे पहुँचना। हमारे तो बहुत हेल्प होगी भैया खुलने सर है, ये पहला मैं ओपन जिम में जाकर मेहनत करना है। कहाँ जाकर? सेक्टर में। सेक्टर में हमने खोल दी ना, अब क्यों टेंशन ले रहे हो, मौज कर दी सबको। अगर सही से दिन निकल रहे हो तो अखाड़ा खोदने को मिलता तुम्हें, कल खोदा जी हमने अखाड़ा, तो अब ना मिल सके खोदने को, क्योंकि अब रात होगी पैर में लग जाएगा फावड़ो, ध्यान रखिए। और करे जाओ लगे रहो, क्योंकि हमें जो लगावे वो मेहनती बच्चे से लगावे, ध्यान रखियो। वो जो हवा बाज रहे हैं उनसे कोई हमारा लगाव नहीं है बिल्कुल भी, तो क्योंकि तुम अब कर रहे हो तो लगन देख के ही थोड़ा हमारा मन थोड़ा खुश हो रहा हो कि हाँ भाई ये बच्चे लग रहे हैं इस टाइम कर रहे हैं बस। तो करो कोई यहाँ की फीस वीस ना धरी हमने कोई मजे से, बस बॉडी बनाओ और नशे पत्ते से दूर और जारी से दूर, हवाबाजी से दूर, चीज़ों से दूर, ठीक है ना। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं, तो कहानी लिखो जीवन की, मेहनत करो तुम कैड पर, चलो लगे रहो। तो भाई ये देखो टीम नंबर टू शाम के वक्त, अब बच्चों में ये भी आ सका है, नई नई लगन शुरू हो रही है भाई, सब देखने आ रहे हैं मैक्स देसी फिटनेस किधर है कहाँ है, ये रहे और ये रहे। तो भैया खुशी है हमें, मेहनत की ओर को भाग रहे हो, नशा पत्ता की ओर को ना भाग रहे, चलो लग जाओ कैडी पढ़ के। देखो एक टीम लग रही कैडी पढ़ के, चलो पहुँचो। हाँ फर्स्ट क्लास में सारे वाला कोई दिक्कत ना हो, हर एक बंदा हीरा अपना कतई बहुत ही मजबूत क्रिकेटर अपना कौशल। तो भाई बच्चों में बढ़िया लगन लगी हुई है और नशा पत्ता से दूर हो रहे हैं, ये हमें हमें अब लग रहा है कि हाँ हमने कोई ऐसी चीज़ खोल दी है जहाँ जो कि हम बच्चों को नशा पत्ते से या जो ऐबों में लग रहे हैं उनसे हम दूर कर सकते हैं बच्चों को। मतलब ऐसी ऐसी उम्मीद है मुझे हो रही है अपने आप से कि मैं इस चीज़ में थोड़ा भी सक्सेस हो जाऊँ, लेकिन हो सकता हूँ, ठीक है। तो दूर दूर के जो बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई अपनी एकेडमी का एड्रेस दे दो, तो एड्रेस पिछली वीडियो में डाल दिया है, वहीं से ढूंढ सकते हो। ये बच्चे भी ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं, वीडियो देख देख के मेरे पास पहुंच रहे हैं। लेकिन दिक्कत एक है, जो जिन बच्चों के पास फ़ोन नंबर भी पहुंच चुके हैं वो फ़ोन कर करके एक ही बात पूछ रहे हैं, मैक्स भाई वहां पर रहने की व्यवस्था है? तो रहने के भी यहां पर भाई कोई व्यवस्था नहीं है, यूँ ही छोड़ रखा है सब खुला खुला। ये दिखाओ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो हो गया मेरा खुद का पर्सनल है, ये मेरा खुद का पर्सनल बनवा रखा है भाई मैंने यहाँ रहने सहने के लिए अकेडमी पे, ठीक है, लेटने बैठने के लिए, यहाँ खाने पीने का सिस्टम गिरवा दिया मैंने, ठीक है। और ये अपना पार्टनर है, अभी दोनों यहाँ पे रह रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं बना रहे हैं। और रह गई बात यहाँ की, तो यहाँ पे अभी सब खुला खुला है, अभी अकेडमी सारी खुली खुली है, उधर भी कोई कमरे नहीं, सामने भी कोई कमरे नहीं है। वो सामने वो छप्पर टाइप बहुत अच्छा डलवा रखा है पहले से ही, वो इसीलिए ये क्या है वो कोई आ जाए धूप में तो बैठ सके वहाँ देख सके, वो उस सिस्टम के लिए। यहाँ पे बॉक्सिंग का भी लगवा दिया है, ये भी ये बॉक्सिंग का रेडी है,
ये चीज़ की कमी रह गई थी तो ये भी अब एक्स्ट्रा करवा दिया यहाँ पे काम, ये रहा ना। तो ये बॉक्सिंग का लगवा दिया भाई, और टीम बढ़ चुकी है, टीम ज़्यादा हो गई। पर अभी बाथरूम वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं एकेडमी के अंदर, जो कि रेडी हैं, लगभग लगभग सब चीज़ रेडी है। रस्से और पैप वगैरह रह गए हैं, थोड़ा थोड़ा सामान रह गया है। लगभग बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन बस दिक्कत ये है बच्चों को कोई टाइमिंग नहीं मालूम, बस वही है अपने पास फ़िलहाल अभी रहने के लिए। छोटी सी हमारी कुटिया जो हमने रेडी कर ली है अब, ये है। तो फिलहाल यहाँ पे यही है रहने सहने की व्यवस्था। और ये बल्लू बलराम जो कि बहुत फेमस है, हर वीडियो में आ रहा है बरकरार। डर जा पब्लिक वे तसु। तो भाई यहीं से कैफे भी ज़्यादा दूर नहीं है, उधर से पहले उधर का सीन दिखाया हमने, कभी ऐसे नहीं दिखाया आपको, कभी ऐसे ये। तो वो फ्रंट पे सारे रोड पे वो कैफे वगैरह हैं वहाँ, ये जो कि कैफे नए भी खुल चुके हैं ना, ये रहे ना उस लाइन में कैफे हैं, रोड पे वो कैफे लाइन है टोटल। और अंदर मैक्स देसी फिटनेस एकेडमी यहाँ पे, जहाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं। चप्पल की बनाते वाह, इतने बड़े पहिया रहे वो चप्पल को जो बना, डंडा लगा के बना, डंडा लगा के बना सेंटा, इतने बड़े लुके ना माँ मुझे पीटा तो पीटा, मेरी स्कूटर तोड़ गई माँ। दो रैपिड में कैसे कर रहे, मैं तो माफी मांग रहा था। शुरू में कैसे कहे, शुरू शुरू की बता, शुरू में कैसे कहे भैया, जब वो जादू में देख ले, जादू में देख ले बगी मार डर, यू कौन बहेला, ये जादू है माँ, ये जादू है माँ, अरे ना बगाया बोना है तू, अरे फिर मुझे सकती थी माँ, मैं बिन चश्मा के देखने लग गया माँ। अच्छा एक बात है, एक एक इतनी बड़ी बात सुन भैया, देखो सुन, पहली बार जिंदगी में धुन बना बजावे, पता का मेरे पापा ने सिखाई ओम। कितना बड़ो, कितना बड़ो फ्रॉड, कितना बड़ो फ्रॉड करो नु कह रहा मार, मुझे मुझे मेरे पापा ने सिखाई। ये लो माँ मैं फिर फेल हो गया, कहता मास का माए खुचले, ये लो माँ मैंने तुम्हारा फिर से नाम रोधन कर दिया, मैं फेल। और एक और खुशखबरी है, प्रिंसिपल ने मुझे भगा दिया, कल एडमिशन फिर से छो। भैया की हाथी ले लें दो, गणी तकड़ी चल रही कोई मिल गया की बात, कोई मिल गया, मैं ऋतिक रोशन को ना तोड़ देते स्कूटर, जिनू कहे माँ मुझे मारा तो मारा मेरा स्कूटर, 1,00,000 का स्कूटर तोड़ दिया तेरा मारे। मैं चिगम ना लगाते रहता वो, दो ही रेपटे लगे, मैं तो सॉरी मांग रहा था तेरी बहन के, तो सॉरी मांग रहा सुनो। वो सीन मटका पे जीरो बनाते रहे, बाकी माँ पूछे तू ये क्या बना रहा है, माँ वो सब बनने हैं एलियन, अरे तू पहले एलियन पैदा हुआ तो क्यों बन रहा हूँ एलियन, तू तो पहले एलियन, इतना तगड़ा रोल है। जादू में टपली टपली बजा, वो भजन लगाओ जादू को एलियन बुलाने को, ये तो मुझे सिग्नल दे दिए, ये तो मुझे आती है। उड़ना देखी, सही कह रहे हो सही कह रहे हो, जिसमें ऊ खम खा दो तीन बेर बजा के देखे ओम ओम, एकदम क्या मेरे पापा ने सिखाई। पापा जब पैदा हो जब अपन सिखाई, वो कितना तेज है पापा, एक्सीडेंट में चल बसो पापा ने क्या सिखा दी, वही तो मेरे पापा बजाते थे ना, वो कहता माँ ने सिखाई है, माँ ने सिखाई है, मेरे पेट में जाते थे सिग्नल भेजते थे, तो मेरी माँ ने सिखाई है मुझे।
कई बोना कूद पड़े धरती पे कई बोना हाँ मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ मैंने बोला घनी तकड़ी वो सीन तो रह भाई जोर को वाको बहुत तकड़ो वैसे एक बात है हमारे अभी लोग अगर ऋतिक रोशन देख ले मौका कर हम लोग कह को साले बहुत अजी हम डाइए मुझे समझ ही ना आवे ना ना अगर मान ले गौर से बैठ के देख ले नु कह को मेरी बहुत अजी हम डाइए साले नो कौन है केस करूंगा मैक दे दी पटनी से पहले बोटा उंगटा मेरी देख मेरी जिंदगी नरक कर देगा यकीन मेरे चाचा उठा पूरा काबिल फिल्म रिलीज कर जाएगा मेरी जान को बहुत एडिट करनी पड़ेगी एडिटिंग काटूंगा इसको काटूंगा भैया कोई सीन बता दे या को एक बार सीन बता दो हल्को सा क्या एक बता दे एक वो वाले सीन है वो वाले भैया के क्या बता लड़के ने पेमेंट आ चुकी है सामान पे राजन भर चुका है राजन भर उतरेगा लड़की तो निकल चुकी है हेलो लड़के तो निकल चुके पेमेंट आ गए दो बोरी पेमेंट आ गए तो लड़के तो निकल चुके गाड़ी से निकले तुरंत अभी तुम्हारा सीन बीच में हाँ तुम्हारी तो खुटल से दाव मिलो सुनो आदमी मर रहे वासु एक पांच सौ मिला पार्क में मारो पेड़ में पाजी इतना बड़ा भूतल उई उई वो वाले पेन हो जाता नारियल छीनने को नारियल वाले तो सही है तुम टाइम पहुंच गई भाभी की नार काट देता नारियल वाले से लिया पेड़ में हमारा आधा घुस गया पूरा पेड़ में तो भैया दो दो रोल एक साथ निभाने का बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा भीड़ की जरूरत ना पड़ी ये इसके लिए भी धन्यवाद कि पेड़ में मार के दे भाई पहले तो भैया भैया ना जमाओ रोल जमाओ क्या कहेगा बताओ तुम अपनी जगह सही कह रहे हो कुछ चीजें को मजा लग रहा है पुरानी चीजें जो हो ना आज भी सूर्य मंथ उठा लो वहां में भी हुई है वो तो घर तो कहा गई जा मैं ऑफिस में जा रहा हूँ बोरी ला दे रहा है ना ना वो मैं बहुत देख लो इसे यहाँ से इसे नुके बुद्धि को लेके जाओ यहाँ से मिथि से मेहरा तुम इसे यहाँ से लेके लोग कहीं दूर निकल जाओ और थोड़े दिख मची हो नहीं बता दूंगा इस आलों पागल है कहीं इसका कॉलेज में एडिट नहीं होने को इन्हें हम और पागल कर दिए हमारा सारा कुछ मिसेस मेरा ऐसी दुनिया में ले जावा घनी दूर पहाड़न पर घनी दूर ले जावा फिर क्रिस्टरी में ना देखा क्रिस्टरी में टू में हो या गेल सारे वही बांध के खेल ले नू कह रहा बाद में माँ इन्होंने मेरा गलत इस्तेमाल किया नू कह रहा माँ इन्होंने मेरा बहुत गलत इस्तेमाल किया है मैं वापिस आ रहा हूँ माँ अरे एकदम गए साले वो कहा जा बांध के गेल आर्यन ने मिस्टर आर्यन मई तेरी बहन की कहा जा रहा है वो कहते क्या लास्ट में क्रिस तुम जा रहे हो मैं घर जा रहा हूँ तुम्हारे पापा जिंदा है तो एक जिंदा है ले जाऊंगा साथ लेके जा जिंदा उन्होंने बांध के गिर रखा और तीसरी में अपने इंजेक्शन लगाने पकड़े एंटीडोट बनाऊंगा और साहब घने तो यार चीज है मैं आखिर घनो मजा बांध रखा हो पर फिर भी तुम सूर्यवंशम की टक्कर पे मत ले सब सुपर है देखो जीत गया मैं जीत गया
भी पागल हो जाओ आज, माखन भी पागल हो गो पाजी। हाँ जी, तो कमेंट में आ रही है कि राजवीर भाई कब आ रहे हैं एकेडमी पे, आपकी पे मेहनत करने नई वाली। एकेडमी पे ही रहूं मैं पूरे दिन। एकेडमी पे रहो पर मतलब वर्कआउट कर दो जल्दी में। करेंगे वर्कआउट, वर्कआउट लैग तो हो जाऊं दो चार दिन में। अच्छा, अभी शुरू करा है वर्कआउट दोबारा। अच्छा, हफ्ता 10 दिन कर लूं तो। अब मैं के भी करवाऊंगा आपके तो। मैं के रेडी डन भाई, रेडी डन डन डन। तो भाई रात बहुत हंसी मजाक हो गया, गला बैठ रहा है, बहुत दिक्कत हुई है रात, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर लिया। तो भाई अब पाजी भी दो चार दिन में आने वाले हैं, पाजी से बात हुई रात कि भाई, पाजी बोले हाँ दो चार दिन में मैं अकेडमी पर आता हूँ और फिर उसके बाद मेहनत करते हैं। जिस भाई को अकेडमी पाना हो 10-5 किलोमीटर दूर तक का ही आए भाई, क्योंकि बहुत ठंड का मौसम है, कोई दूर का ना आए भाई, पास का हो कोई आ सकता है अकेडमी मेहनत करने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई दूर का ना आए और सुबह के टाइम आना है, शाम को भाई नहीं आना किसी को, क्योंकि शाम को बहुत ठंड होती है, बहुत परेशानी होगी। ठीक है, और भाई अब हो लेता हूँ थोड़ा रेडी और चलते हैं अकेडमी में, थोड़ी मेहनत करनी है क्योंकि वेट लॉस करना है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन चलते हैं। और बात ध्यान रखना, कोई दूर का ना आए, पास का कोई आना चाहे तो आ सकता है। ठीक है, रेडी होकर चलते हैं। तो भाई रेडी हो चुके हैं और चलते हैं अब ग्राउंड की तरफ। कुमार भाई बेटा उठो, सुबह हो गई, थोड़ा वर्कआउट करेंगे, चलो कुछ टाइम होता है बेटा सोने उठने का, चलो रेडी। मेरा पट्टा, मेरा शेर, ओके की रिपोर्ट है, एक मिनट में चलना। चलो जाओ, ये बात एक तो अपर पहन ले क्योंकि ग्राउंड पे ठंड लगे थोड़े सुबह को, अरे एक पहले जूता है, दौड़ माननी हुआ अब तैयार है। तो भैया जैसे मैंने बताई, हमारा चेला मामा गए वो अब आ चुका हूँ और अकेडमी में संभलवागा और मेहनत करेगा दबा के, क्यों भाई करेगा, चल आ जा रेडी हो गया। अभी चीज है रेडी, कितनी देर में, चल जल्दी कर। ये नए वाले दिखे हैं जो नए आए अभी, अरे बेटे नया माल पैर रात तो है, दौड़ मारेगा ना इनसे ही, चल जल्दी तैयार हो, कहीं कुछ खा ले हल्को, तो फिर सीधो अकेडमी पे गूँ। बिना जूता के खाड़े दौड़ना लगती कोई, मेरे अलग है, मेरा डिजाइन अलग, इनको डिजाइन बहुत अलग है पागल, ये तो अल्ट्रा बूस्ट है, हाँ कुमार जल्दी कर, जल्दी स्पीड से रेडी हो, तैयार हो, जल्दी चले, चल भाई तू खुद को मत मारे, गाड़ी पे चल सीधा। तो ये लो भाई फूफी, चले मेहनत तो करी हाँ, ठीक हाँ ना, यू तो बहुत जोर की चीज है, ये तो करेगा कोई मेहनत सारी, ये तो कूदेगा भी मैं खूब, ये तो अकेडमी पे कंटिन्यू है। अरे कोच साहब कैसे हो, मौज कर दी, ठंड में कुकड़ रहे हो, क्या बात है, वीडियो देख के सीधे हो गए, अरे कहाँ कुकड़ रहे हैं, बिस्तर से सीधा उठ के आया हूं, सही से वो आवाज ना निकल ली, बिस्तर से अभी उठ के आया हूं सीधा। अच्छा भाई तू ओए रेडी हो, तो भैया कुमार भाई निकलेंगे जिम पे और हम निकलेंगे मैक्स देसी फिटनेस पे, क्यों भाई हाँ। तो फिटनेस पे करेगा ना, क्या जिम में जाओ फिटनेस, फिटनेस बैठ बैठ बैठ, चलो भाई चलो। तो भाई कैसे गुमसुम बैठा हो बता, रेडी है कतई, तैयार है। तो भैया अकेडमी पे ये शहरे देख लो, अकेडमी पे ये दिखता रहेगा जब जब यहाँ की छुट्टी रहेगी स्कूल की, जिस दिन स्कूल छुट्टी रहेगी इसे जरूर लाएंगे, 4-5 साल में दिख जाएगा, ये आता तो मैं बालक से दिख रहा हूँ, लेकिन गोल मोल हुआ बैठा रहेगा, एक दिन ऐसा भी आगो इन सीटन के बीच में इसके हाथ पैर आने के ना, ऐसा कर देंगे इसे 5 साल में, अब हो रहा 5-6 को, तो अब हो रही हूँ कितने को होली कुमारी हूँ, 8 को, 8 को ना आई हूँ, 7 को आई हूँ। लो भाई अकेडमी पे आ गए, तो भाई अकेडमी की दूरी ज़्यादा ना, कुल 5 मिनट में आ लगे घर से यहाँ तक की दूरी, कुल 5 मिनट की है,
आओ सारी आ तो सी सीन पे चल ना कहीं ना भेजो ये बस अकेडमी में अंदर रहेगा मेहनत करके चल भाई चल बोले अंदर को चल हाँ चल जल्दी गाबरू जवान चल या रनिंग करता हुआ चल रनिंग करता हुआ तो भाई सारी रात ही मजाक हुआ खूब यार गलो जाई मारे दुख रहा आज बहुत ज़्यादा सारी रात ही मजाक चलो दबा कर अंशु भाई और राजवीर पाजी अपने सर रात ही मजाक करो और ये सुबह का व्यू भी कुछ और रात का कुछ और मजे सुबह का भी अच्छा मौसम मजा बांधता है रात का भी यहाँ सिस्टम मजा बांधता है। ओए इधर आ जा भाई सुबह का टाइम तो गेम बाज रहा है बढ़िया ये देखो भाई सुबह का टाइम तो आज बढ़िया गेम बाज रहा है हमसे पहले ही आ गई टीम टूर्नामेंट चल रहा है ना तो भाई भांजा आ चुका है हमसे पहले ही एकेडमी के अंदर और बहुत टाइम से वेट कर रहा है फुदक रहो बहुत फुदक रहो थोड़ी देर में इसकी फुदकन ख़त्म कर देंगे अभी मेहनत इतनी करवा देंगे घुटनों पे लाते हैं इसकी फुदक ले लास्ट में तो हमारा जाबाज कमांडो रेडी हो ले थोड़ा दौड़ वोड़ मार ले ना फिर उसके बाद करेंगे मेहनत। हाँ एक भांजा तैयार ओहो डोले अभी से दिखा दिए ठीक और दोनों छोटे अपने तैयार और तीसरा भी तैयार और मेहनत करते हैं स्टार्ट थोड़ी पर करते हैं स्ट्रेचिंग भांजे ने दौड़ मार ली भांजे जा रहे हो अखाड़ा खोदने और हम जा रहे हैं थोड़ी सी दौड़ मारने क्यों भाई चलो तुम तो चलो सुनो तुम एक काम करो बाहर बोल लग जाएगी उधर बाहरी बोल चल रही है सुनो ऐसे करो तुम यहीं अकेडमी में दौड़ मार लो चलो जा दौड़ मार कर यहीं कर लो इतने। तो भाई रोड पर रनिंग शुरू कर दी पहले 5 किलोमीटर की रनिंग करिया उसके बाद करेंगे अकेडमी में मेहनत और भांजे दौड़े रोज जिम में और आज दौड़ा दिया रोड पे तो अभी पीछे ही है भांजो तो जैसे ही दौड़े आ गो आपको दिखा दो जागो हाँ छोटा वाला भांजो आयो दौड़ मारने जेल में तो मज़ा आवेगो नुको ट्रेडमिल के बाद रोड पे तो ज़्यादा हार्ड हो रही है भांजो भी आ चुका साइड में भांजे की रनिंग भी बहुत अच्छी है गजब एक्यूरेट जिस एक बार जो दौड़ना स्टार्ट करे ना ऐसे ही दौड़ते रहे कंटिन्यू ये लो सिग्नल दिखा दो भाई मजा आ गो रनिंग करके 5 किलोमीटर की रनिंग हुई है 5 किलोमीटर भी पूरी रनिंग ने पूरा मजा बांध दियो बढ़िया दम फटको और बढ़िया गर्म हो गए और अकेडमी पर पहुंच लिए बस थोड़ी दूर हो रहेगी तो भाई फुटबॉल वाले ने भी अकेडमी पकड़ ली नो भाई थोड़ी बहुत करवा दो मगर कर ले भाई हंस रहो अभी जल्दी आ घूम के हंसा ना जल्दी आ अभी शूट मार जल्दी ओ चीता तू भारी डंबल मत उठा चल तू हल्के उठा ले वे वाली गुलाबी उठा अपनी वेट किसी उठा कर हाँ चल चल भी चल भांजे तो भैया एक भांजे यू दौड़ यू पलटी मार रहा हो एक भांजे रनिंग करके आया देख रनिंग करेगा जब जबरदस्त वेट है 95 kg अब 95 किलो को लड़का आके अड़ सकता हो भिड़ सकता हो कोई दिक्कत ना 95 किलो को मैं भैया 110 किलो वेट है 110 किलो वेट में भी कोई आ सकता हो आने को मन करे मेहनत को मन करे दौड़ को मन करे चैलेंज ना एक प्यार है सबके लिए क्योंकि तुम इस चक्कर में मेहनत तो करके आओगे थोड़ी तैयारी करके आओगे कि मैक्स भाई 110 वाले ने कह रहे तो 110 वालों को बेचारा मेरे चक्कर में थोड़ी दौड़ मार ले कोई स्वच्छ क्या हो ठीक है तो भांजे लगने कैड़े पड़ गए और हंसी मजाक के बाद हमारी बहुत हार्ड मेहनत है पीछे कैमरा के पीछे इस बात का ध्यान रखियो एक हंसी मजाक रात होगी उसके बाद हमारे जो भांजे वो देखियो मेडी को पाइप कट जाओ देखो एक बारी हटाई से तो बहुत हार्ड मेहनत ये ऐसी ना डोल ले बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे भी खूब टक्कर दे रहे हैं देखो नए बाल लेकिन नया खून है पर कद तक खून नए हो हम भी नए होने वाले हैं दीपक कितने दिन में तैयार हो जाऊंगा बता दे 3 महीना में रेडी हूँ ना 190 किलो वजन रह जाऊंगा फिर तो मैं समानो गंडास हो भागे ना कभी गंडास बन जाऊंगा चल भांजे सूट मारेगा मार मार
या कि सूट में कमी बताऊं का उड़ा लचक रहा है स्पीड की वो कम है थोड़ी सी आज आ गई हूँ करते करते पर दम बहुत है कमी दम की ना कमी है थोड़ी सी स्पीड की भाई ये देखो एप्स वगैरह तो ना रहते खैर देसी में देखो ये सब देसी है मामलो फुल बॉडी देसी है देखो पिछन जा देसी बॉडी ये एप्स पेट दिखाइए एप्स ना होते ऐसे रहे नॉर्मल पेट देसी में भाई अभी होते यार इतनी मेहनत कर रहे होता तो बॉडी कहीं की कहीं पहुंच जाती एक एक बॉडी को एक एक पार्ट अलग अलग निकल गिर जाता एक एक अंग अलग अलग दिखता चल भांजी चल खेच हल्की हल्की सुन ये मेड़ी हटा दे ये तो तंग करेगी हटा दे खेच के मार चल चले जा लपेट लपेट मार जल्दी फावड़ा छोड़ दे कुछ मारे कर चल दमे से ना बैठे चल हाँ ये जब रेडी रहोगे तो भाई तमसुई एकेडमी है चलो दम रखोगे जब ही तो खेल है ये भांजे चल खींच के मार जा मार ये गजब भांजे चल अरे भैया फुटबॉल वालों खींच के मारो सूट ऐसे मत करो अकेडमी बड़े पीछे तो दम फटे जब ही मजा आवे को चलो चल होगी चल भाई चल ओए तू मत मारिए तू बैठे के मारता रहे छोटे हाँ यू है देख यू वाली लाइन है गजब यू लगनी चाहिए हाँ चढ़के मारे कतई बाकी छाती पे कतई ऊंची मिट्टी देखे मजा आ रहा हूँ ना अब देख के यू पलटी मारने चक्कर में होगा ओए ना उतरे जब आ जा अब बता कहाँ कहाँ में डलाया अभी करंट में कहाँ है नू बता अभी दिल्ली स्टेट में 154 की रेस भगा था मैं और फर्स्ट था उसमें फर्स्ट हो कितने किलोमीटर रेस थी कितने टाइमिंग में 154 एक मिनट 54 सेकंड चलिए तो ठीक है बढ़िया खींच के खूब और मैं जेएलएन स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ करेगा थोड़ी बहुत बता यहाँ भी कर लेंगे थोड़ी बहुत आपके साथ बस जींस पहन के आनी है ठीक है जैसे कल सुबह आवेगा ना जब भी आना हो भाई और भी ध्यान रखियो जब भी आना हो स्पोर्ट्स के कपड़े हों देख इनकी तरह देखे यार खिलाड़ी दूर से पीछे छे हाँ खिलाड़ी आगो अकेडमी के अंदर तो देखो सब लोवर हम लोवर बस तू अलग अलग हो ना देख अब सब एक लगे तू अलग अलग हो अचानक से तो इसलिए जैसा माहौल हो अब हम लोवर सी शर्ट पहन के शादी में जाने लगे तो अजीब ना लगेंगे तो ऐसे ही है कि जैसा माहौल वहाँ के कपड़े रेडी ये गजब दोनों गजब और जींस ना होती ना बहुत मजा आता तुझे मारने में डन चल भाई चीता छोटे चल तो भैया यू किसी से कम ना है आने वाले टाइम में या अकेडमी दिख जा गई बहुत लगन है सुबह से हमारी ये लग रहा हम तो दौड़ मार जाए इतने बहुत सारी मेहनत बता दी चाचू मैंने ये कर लिया चाचू मैंने वो कर लिया इतनी देर में बहुत सारी मेहनत भी कर ली अगले ने ये चल चल चीता चल यस हाँ बहुत गजब सुन आज के लिए बहुत है भाई और करेगा थोड़ी बहुत और करेगा जंप कर ले उधर जाके जंप कर ले चल भाई चल तू करे जा ये बहुत गजब ये वापिस आ जा घूम जा वापिस चल ये तो भाई दम फटे भी ना कोई चलो जाए यहाँ से ऐसा हो नहीं सकता भाई देख खुद आके देख लो खुद अजमा लो दम फटेगा यहाँ आते ही बता रहा हूँ तो इसीलिए मैं खुद कहूँ यार स्टेमिना बना के आओ देखो कोई तड़क फड़क में इस मेहनत करेगा हमें भी अच्छा लगेगा और जो देख रहे हैं ना वीडियो उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई हाँ वाकई में दमदार बच्चे हैं स्टेमिना भी है सारी चीज़ें अब आओगे तुम और वीडियो में भी आओ और तुम्हें स्टेमिना ना हो अब देखो 400 मीटर का सूट मारे और 800 मीटर सूट मारे तो दिख रहो हाँ वाकई स्टेमिना है हम इसको स्टेमिना चेक करने के लिए ही इस पर ये वाली मेहनत करवा रहे हैं चल भी लास्ट तक चले जा तो वाकई बंदे ने कोई वार्म अप नहीं कुछ नहीं वाकई में भाई स्टेमिना है मेहनती बच्चा पता चल लिया चल भाई तू अपने जंप पर निकल चल यस 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 चल 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 ये
दम तो फटे भाई। ओए हमारी वाली में है कुछ आया मजा? वहाँ वहाँ भी दम फटे? यहाँ कितने फटे? हर जगह को अलग अलग हिसाब है। अलग अलग है ना। हाँ। मसल ने अब अलग काम करो। हाँ। वहाँ अलग सूट को अलग काम करे, वहाँ थाई काम करे हैं, थाई और पैर ने हाथन ने दोनों ने काम करो है ना। वहाँ इतना दम जब फटता जब एक ओला उठी लगती पूरी है ना। हाँ। हाँ, ये है मजेदारी। भांजी चल तू पसीना पसीना रहे। सुम्मी चल एक बेर में खोद मारो आपका। सुम्मी ने यू गजब कर दिया। चल अब ऐसे आराम से इतना दम बन जाएगा, पाँच पाँच बेर भी एक खोद देगा, कोई दिक्कत ना। अभी तो शुरुआत करिए थे ना, कोई दिक्कत ना। अभी तू स्टेप कर दे, अब तू मत करिए मेहनत कतई भी। मामा के हम जागो है रहे गुण बतवेले। हाँ बता क्या भूल लूँ मैं ये चीज़ कान में बता दो। तो भाई मेहनत हो चुकी है समाप्त। और भाई फुटबॉल वाले फुटबॉल पे हमने अभी अपनी कर ली, ये भी अपनी कर रहे हैं। और भांजे भी ने मत लिया, बता सारे ने कर ली। खूब मजा आया। जिसे आना आ सके बता रखो टाइमिंग। टाइमिंग है सुबह, सुबह फिलहाल चल रही है 7 बजे से लेके 11 बजे तक मैक्सिमम। यहाँ जब धूप निकल जाती है 7 बजे से और 11 बजे तक का भी टाइम है, ठीक है। और भाई भी मिलो ना बेटा, पानी ना मिला, पल्ली तरफ जाना पड़ेगा तुझे, कुछ तो पीना पड़ेगा, कुछ तो पिला दे वो जल्दी से। तो भाई तो चलें वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।